दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप विंडो 10 में जो है डिस्प्ले प्रॉब्लम को कैसे आप अपना सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पे नए हो तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड यहाँ डेस्कटॉप पे मैं आ गया, यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप सिंपली डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाइए। डिस्प्ले सेटिंग पे आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आ जाइए। एडवांस सेटिंग पे आने के बाद ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा अभी काम कर रहा है बट आपका काम नहीं कर रहा होगा, तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि आप क्या करोगे जो काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्प्ले एडाप्टर ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से प्रॉपर्टीज हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ से देखिए डिस्क ड्राइव इज वर्किंग प्रॉपरली, बट आप में अगर नहीं लिखा है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो आप यहाँ से क्या करोगे जो आपका वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ से आप ड्राइवर पे क्लिक कर दीजिए और सिंपली यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल या फिर ड्राइवर को पहले अपडेट कर लीजिए, अपडेट ड्राइवर और यहाँ से सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट, इंटरनेट से आपका लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं और ये देखिए योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज यूज अप टू डेट है, मतलब अप टू डेट हो चुकी है हमारा ड्राइवर। तो यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से इस ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेते हैं, ये देखिए ड्राइवर अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो फ्रेंड वहां से अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपने लैपटॉप को सिंपली रिस्टार्ट कर लो। तो यहां से हम लोग रिस्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहां से पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग रिस्टार्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड आप यहां से रिस्टार्ट कर लो और रिस्टार्ट करके ओपन करो, तो मैं दिखाता हूं फिर ओपन करने के बाद क्या करना है। तो फ्रेंड रिस्टार्ट होने के बाद आप फिर से यहां पे आ जाइए और यहां पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में आ जाइए और उसके बाद यहां से आप इसे स्क्रॉल डाउन नीचे कर लीजिए और यहाँ एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में आ जाइए और यहाँ देखिए आप आपका ये ऑप्शन चालू हो चुका होगा। तो यहाँ से आप इसे फर्स्ट वाला ये सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई होने के बाद फ्रेंड ये आपका डिस्प्ले सेटिंग सही हो जाएगा। और फ्रेंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो है यहाँ देखिए यहाँ से AMD या फिर आपका NVIDIA का जो ग्राफिक्स है वो ड्राइवर गायब हो चुका होगा, मतलब अनइंस्टॉल हो चुका है। तो उसे कैसे आप इंस्टॉल करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर लीजिए AMD ड्राइवर। और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप अपना AMD का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है फ्रेंड, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड अगर आपके पास NVIDIA का ड्राइवर है तो चलिए मैं उसे बताता हूँ कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सर्च कर लेंगे NVIDIA, तो यहाँ से आप देखिए NVIDIA का ड्राइवर अगर आपके पास है तो यहाँ से आप NVIDIA का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ सिंपली अपना सारा कुछ फिलअप कर दीजिए और ये देखिए आपका ऑटोमेटिक जो लैपटॉप में है वो आपका सर्च ले लेगा खुद ब खुद, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नेट से कनेक्ट रहेगी जो सारा कुछ अपने आप फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली सर्च कर लीजिए, सर्च करने के बाद ड्राइवर आपका आ जाएगा तो उसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, आपका ड्राइवर बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, आप समझ नहीं पाए हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारे चैनल पर जो जो अच्छी अच्छी वीडियो इस चीज़ के रिगार्डिंग अपलोड होगी वो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी और आप देख पाओगे। खैर फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।